इस वीडियो में हम दसवीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 8 हल करने जा रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही आसान है। क्या कहता है, यदि त्रिकोण ए बराबर है 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² / 1 + tan² = cos² - sin² है या नहीं है। हम एक त्रिभुज ले लेते हैं और उसमें ए बी सी और इस कोण ए को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। सॉल्यूशन, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हमारा कितना है, 90 डिग्री। हमने ये मान लिया कोण बी बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें दिया हुआ थ्री कोट ए बराबर है 4, तो इसका मतलब कोट ए बराबर 4/3। अब कोट किसके बराबर होता है, कोट होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए बी, मीन्स 4/3 किसके बराबर, ए बी बटे बी सी के, ए बी बटे बी सी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, हमने ए सी के मान निकालना है। माना ए बी को मैंने मान लिया 4k, ठीक है, और बी सी को हमने मान लिया 3k। ये मेरा हो गया 4k, ये हो गया मेरा 3k। अभी हमने ए सी निकालना है, तो हम क्या अपनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा, करण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 4k², बी सी स्क्वायर 3k², 4k मतलब 16k² प्लस 9k² ए सी स्क्वायर। 16k और 9k कितना हो गया, 25k². तो ए सी का मान हमारा कितना हो गया, ए सी वैल्यू निकालोगे 5k आ गया, ए सी इक्वल टू 5k निकाल लिया हमने। लो जी, ये हो गया 5k। अब हमें क्या, किस किस का मान निकालना है, एक तो टेंजेंट ए का निकालना है, कोस का और एक साइन का। तो सारी चीज़ें निकाल लें हम, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, ए सी। बी सी का मान 3k, ए सी का मान 5k, के से के कैंसल, 3/3 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर मेरे को निकालना है कोस, कोसे होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे करण, आधार क्या है ए बी बटे ए सी, ए बी का मान 4k, ए सी का मान 5k, के से के कैंसिल होके कितना बच गया हमारा, 4/5 हो गया। और क्या निकालना था, टेंजेंट ए, टेंजेंट ए वैसे तो ये बटा ये होता है साइन बटे कोस, तो 5 से 5 = 3/4 आएगा। फिर भी देख लेते हैं हम, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरा बी सी, बी सी और बेस मेरा क्या है ए बी, बी सी का मान 3k/4k, के से के कैंसिल हो गए कितना आ गया, 3/4। टेंजेंट इसको डिवाइड करते तब भी कितना आना था, 3/4। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड मेरी है 1 - tan² / 1 + tan² a, इसका मान लेना मैंने। 1 - tan A का मान मेरा कितना है, 3/4, तो मैं 3/4 का स्क्वायर लूँगा। यहाँ पे 1 + 3/4 का स्क्वायर लेंगे हम, इसको सोल्व करें, 1 - 9/16, यहाँ पे 1 + 9/16 हो गया। क्या करेंगे, एलसीएम लें ऊपर 16 - 9, नीचे भी एलसीएम कितना हो गया 16 + 9, 16 से 16 तो क्या हो गया, कट गया। अब 16 में से 9 घटाओगे ऊपर तो बच गया 7, 16 और 9 कितना हो गया, 25। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया, 7/25। अब राइट हैंड साइड का मान और निकाल लेते हैं, क्या हुआ, cos² a - sin² a, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कोस का मान कितना था हमारा, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए का मान मेरा था 3/5,
तो 3/5 का हम क्या कर देंगे स्क्वेयर, 4/5 16/25 माइनस 9/25 लघुत्तम कितना हो गया 25, 16 - 9 7/25 ये भी कितना था 7/25 इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या है दोनों बराबर हैं, बस यही हमने बताना था। यस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।